तीर्थ राणा जी का कार्यक्रम और कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं और मैं थोड़ा सा पीछे का कार्यक्रम दिखा दूं आपको भाई। अच्छे ट्रैक्टर हैं, छोटा मोटा तो खैर नहीं है प्रोग्राम, लेकिन अच्छा बड़ा। बात करेंगे महिलाओं से इस ट्रैक्टर यात्रा को, तीर्थ यो कौन सी यात्रा है, तिरंगा यात्रा को लेकर। राम राम जी भाई चौधरी ने सबने राम राम। सारे हरियाणा के लोग ने राम राम, पूरे भारतवर्ष को राम राम, पूरे विश्व को राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम मोदी। अच्छा, जो ये तिरंगा सम्मान यात्रा है, इसकी जरूरत क्या पड़ी निकालने की? इसमें जो हमारे फौजी भाई हैं उनके मान सम्मान के लिए, और जो हमारे बच्चे 7 साल में पहले तो कदे नहीं काटी बहन जी। ये तिरंगा यात्रा है हमेशा ही ना काटी, ये गलत बात है, 7 साल में ना काटी। लूज उठ रहा बोलो। ये तिरंगा यात्रा है हमेशा निकलती है, मैं इसकी साक्षात वो हूँ, हम हमेशा हर साल निकालते हैं ये जरूर। कौन सी तारीख को निकालते हैं? हम 1 से लेके 15 तक निकालते हैं। मैंने पहले कभी देखी नहीं। आप, हम फोटो दिखा दे आपको, विद प्रूफ देंगे, हम विद प्रूफ देंगे आपको। मैं तो कल परसों निकाले जाते थे, आज बड़े निकाली जा रही है, पर निकाली गई है, हर समय निकाली गई है, पर इसको अब एक तरह का हम त्योहार जैसा निकाल रहे हैं उन शहीदों के लिए, और नमन करते हैं हम सारे देशवासी उन शहीदों को जो जिन्होंने अपने देश के रक्षा के लिए अपने आप को शहीद से सब रक्षा के। आप कहाँ से हैं? मैं सोनीपत से हूँ, महिला मोर्चा प्रेमा तिवारी उपाध्यक्ष। क्या बात है बहन जी, प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस विशाल कार्यक्रम को लेकर? क्या इस कार्यक्रम से गांव में एंट्री हो जाएगी 15 अगस्त के बाद? गांव में तो वैसे भी हम जाते हैं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है कि गांव में एंट्री नहीं होती, हम गांव के ही रहने वाले हैं, जो हमारी महिलाएं हैं सभी गांव की, हम किसान की बेटी हैं, किसान की जो लड़के हैं सभी किसान हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि गांव में एंट्री नहीं होगी। आज यो विशाल जो गवाना में जनसमूह आप देख रहे हैं, जो तिरंगा यात्रा हमारे शहीदों के सम्मान के लिए कर रहे हैं, इससे हमारे शहीदों को ज़्यादा हौसला मिलेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा और भी मेहनत करेंगे और जैसे हमारी रक्षा करते हैं बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे कि हमारे देशवासी हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं इतनी गर्मी में, यही कहना चाहूँगी। बहन जी, इस तिरंगा यात्रा में भाजपा का कोई झंडा दिखाई नहीं दे रहा, खट्टर साहब की फोटो नहीं है, मोदी जी की फोटो नहीं है, ये हमारे देश तिरंगा यात्रा है जो आप देखिए वहाँ से यहाँ तक हर एक किसान। तिरंगा यात्रा में कोई कांग्रेस का कोई नेलो पार्टी का नहीं है? वो तो भाई उनका सरदर्दी है ना। आपने निमंत्रण दिया था? हाँ, हमने सभी को बुलाया कि सभी को बुलाया है, तिरंगा यात्रा सभी की है, सभी देशवासियों की है, इसमें हम सभी को स्वागत करते हैं, सभी को बुलाया। जो ये तिरंगा है ये सब पूरे देश का है, पूरे भारत का है, ना कि किसी का पार्टी का है। नहीं, वो बात सही है, बस मैं यही पूछ रहा था कि भाजपा मोदी साहब या खट्टर साहब की फोटो नहीं, ये भाजपा का यात्रा नहीं है, ये तिरंगा शहीदों का। फिर इसमें सारे कार्यकर्ता भाजपा के हैं? नहीं, कांग्रेस के भी हैं। कौन से बैठक, नाम बताओ दो चार का। नाम ऐसे शक्ल से बता, नाम सब का याद रहा, नाम सभी का याद नहीं रहता। एक आधेगा बता, एक आधेगा किसका नाम बता। मैं तो पहले हॉकी की पूर्व खिलाड़ी हूँ, हम तो हम उन सब खिलाड़ियों। आप उन हरियाणा से कितने प्लेयर हैं हॉकी के जी अभी जो खेलने गए हैं? हाँ, हमारे हरियाणा से 9 लड़कियां हॉकी की हैं जो खेलने गई थी, और उनसे मिला जी आप? बिल्कुल मिल के आए हैं, उन सब का कल हम स्वागत करके आए हैं, जो हमारी नेहा गोयल है, निशा है और हमारी शर्मिला बहन है, जिन्होंने विश्व में हमारा परचम लहराया है, भले ही वो नहीं जीती हो, सेमीफाइनल में वो हार गए हैं, लेकिन हम उनको हार कर भी जीता हुआ मानते हैं कि उन्होंने विश्व में डंका बजाकर हॉकी का नाम रोशन किया है, हॉकी को हॉकी राष्ट्रीय खेल होते हुए, लेकिन उसको इतना महत्व नहीं दिया जाता। मैं तो फिर कहना चाहती हूँ तमाम अपने भाइयों को, बहनों को और बुजुर्गों कि हॉकी को भी देखो, हॉकी का मैच भी इसी तरह देखो जैसे क्रिकेट को देखते हो, और इनको भी बढ़ावा दिया जाए, और मैं सभी खिलाड़ियों को, बजरंग पूनिया को, रवि दैया को, और जो हमारे हॉकी के मोहित भाई
भाई हैं मोहित वाल्मीकि और जो गोल्ड मेडल लेके आया है भाई नीरज चोपड़ा, मैं उन सबको तय दिल से अपने तमाम महिला मोर्चा की तरफ से, नारी शक्ति की तरफ से, सभी खिलाड़ियों की तरफ से, आपके चैनल की तरफ से, हरियाणा के 30 के 30 खिलाड़ी, हार्दिक हरियाणा के 30 के 30 खिलाड़ियों को जिन्होंने विश्व में सबसे ज्यादा मेडल लाकर हमारे हरियाणा का, हमारे भारत का नाम रोशन किया है, उन सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की। अच्छा, कोई और कुछ कहना चाहेगा बहन जी? नमस्कार, मैं मीना नरवाल, चेयरपर्सन जिला परिषद सोनीपत, प्रदेश उपाध्यक्ष एससी मोर्चा। आप सभी को जी थोड़ा सा इधर आ जाओ, आप दिख नहीं रहे। जी बहन जी नमस्कार, मैं मीना नरवाल, चेयरपर्सन जिला परिषद सोनीपत। वो तो हो गया, इस कार्यक्रम को लेके क्या कहेंगे? आज देखिए महिलाओं में आप देख रहे हैं बहुत ही जोश के साथ जो है ये यात्रा एक शहीदों यहाँ पे 20 शहीदों के सम्मान में, तो और भी है ना पीछे भाई ज्यादा क्वेश्चन उठ उठा नहीं पूछा, पिटेंगे में नहीं है, आलोचना नहीं करेंगे, तिरंगा के सम्मान में यात्रा निकाल रहे हैं। महिलाओं तो लठगाड़ दिया, झंडे गाड़ दिए, खेलों में भी और वो भी, कितने भी देख लो महिलाएं सबसे आगे हैं, सशक्त है। हम तो कहते हैं महिलाओं को 50% का दर्जा भी दिया जाना चाहिए, महिलाओं को 50% का दर्जा दिया जाना चाहिए, और हर महिला हर फील्ड में हर एक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसे ही महिला शक्ति का सम्मान होते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई यह वीडियो इतनी है, इसने फालतू क्वेश्चन में है, समझदार हो आप। तो भाई यह वीडियो इतनी है, आपने वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।